कमल छोड़कर अब एस के शर्मा हाथी की सवारी करेंगे। जान लेते हैं कि कमल क्यों छोड़ा उन्होंने और इस बार जो मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ेंगे हाथी के साथ में, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, जिस तरह से कमल छोड़ा है और आपके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी से भागी हो गए, क्या वजह रही? इस विषय में कल पूरा मैंने आपको बता दिया, कल प्रेस इसी के ऊपर थी। फिर भी आप जानना चाहते हैं कि मैं अधर्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, जिस चीज़ के खिलाफ मैं लड़ाई लग रहा हूँ और वही मेरे साथ हो तो मैं कैसे उस घर में रह सकता हूँ और कैसे मेरे उस घर में निभाव हो सकता है। इसलिए मेरे को घर छोड़ना पड़ा। सब लोग जानते हैं गोविंदानंद जी महाराज जी का अपहरण हुआ था वृंदावन में। उस समय जनपद में से उनके बगल में कोई खड़ा हुआ था तो उसका नाम एस के शर्मा है। फिर मैं आपको वादा कर रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरी सम्मानित जनता, पूरी सम्मानित सरदारी और पूरे सम्मानित हमारे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छाय बंधु, कि कभी भी किसी के साथ अन्याय अधर्म अत्याचार हो तो उसको सहन करना पाप को, मतलब पाप को सहन करना पाप का भागी बनना है। इसलिए कभी पाप का भागी नहीं बनना चाहिए। हमने वो घर छोड़ दिया और क्यों छोड़ा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी से मथुरा वृंदावन से कल पर्चा भरेंगे और उसी से हम चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आप एक लंबे समय से मार क्षेत्र की जनता के लिए लगातार कार्य कर रहे थे और उनके बीच में जा जाकर जनता को अपने प्रति समर्पित कर रहे थे और जनता इस बार मूड में थी कि आप अगर पार्टी उतारती है आपको विधानसभा मार्च से तो जनता पूरा साथ आपका देगी, क्या वजह रही आप बैकफुट पे इस तरह से पार्टी का? मैंने तो फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने तो 2017 में टिकट नहीं मांगी थी और 2022 के लिए भी नहीं मांगी थी। 2017 में भी पार्टी ने टिकट दी थी और 2022 के लिए उन्होंने 2.5 साल पहले से मेरे को कह दिया, क्षेत्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तीनों ने जब मेरे से कह दिया कि मार्च से चुनाव लड़ना, आप तैयारी करिए वहाँ से, तो मैं अपना तैयारी कर रहा था और मैंने लक्ष्य बनाया हुआ था मांट में कि कम से कम 1.25 लाख वोट लाएंगे, आधे में अधभर आधे में पूरा घर, ये लक्ष्य बना के हमने काम किया, पूरी जनता जानती है। तभी तो आज हजारों हजारों कार्यकर्ता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है, जनता का मोह भंग हो गया है। अभी तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आते हैं। बसपा से आप मथुरा वृंदावन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो कद्दावर नेता एक बीजेपी के माने जाते हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी इस समय घबराए हुए हैं। देखिए साहब, मैं तो दूसरों के बारे में न मैं कभी कुछ कहा और न मैं कुछ कहूँगा, अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लग रहा हूँ और जीतूँगा, 100% चुनाव जीतूँगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ऐसा एक रूमर उड़ रहा है कि आपकी टिकट कटने की वजह राजेश चौधरी रहे क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनके करीबी माने जाते हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि क्षेत्रीय नेतृत्व हमारे साथ था, प्रदेश का नेतृत्व हमारे साथ था और केंद्र का नेतृत्व हमारे साथ था, लेकिन कुछ लोग जैसे इनका आपने नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, स्वतंत्र माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, जो अपना प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने गारंटी ली है, उन लोगों ने जिताने गारंटी ली है, उन्होंने इसको टिकट दी है तो आके जिताएं, मैं बहाना क्यों बनूं? इसीलिए मैंने अपना क्षेत्र ही चेंज कर लिया, तब आराम से चुनाव लड़ो, मेरा तो अब उनको कोई खटका है नहीं। अगर मैं चुनाव लड़ता तो उनको जो बहाना मिल जाता सर इनकी वजह से हम चुनाव हार गए, तो मैं बहाना क्यों बनूँ? हारो या जीतो, वो अपना काम करें, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं मथुरा में बसपा चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। अभी आपने बात करते हुए ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा रिफाइनरी के द्वारा 25 करोड़ रुपए विधानसभा मार्ट के लिए दिए गए, क्या वजह रही जो इस तरह का बंदर मार्ट विधानसभा के लिए? नहीं भाई साहब, केवल और केवल नौजीर ब्लॉक में, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबारों में छपा, उसका पेपर जी मैं दे सकता हूँ आपको, उन्हीं महानुभाव ने छपाया कि 25 करोड़ CSR फंड और 5 करोड़ राज्यसभा सांसद निधि और बाकी ब्लॉक का फंड निधि, पूरा निधि कहाँ गई, कौन चाट गया, कौन खा गया। कह तो रहा हूँ कि वहाँ जो खाने वाले और खिलाने वाले दोनों ही हैं, तो मेरा तो वो स्वभाव है नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो मैं जो है कभी चुप नहीं रह सकता, सहन नहीं कर सकता मैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, अत्याचार हो। इसलिए मेरे को घर छोड़ा है
और छोड़ के मैं अपना दूसरे घर अपना लिया। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में बसपा प्रत्याशी एस के शर्मा, जो कि इस बार चुनाव मथुरा वृंदावन सीट से लड़ेंगे और आने वाला समय ये तय करेगा कि मथुरा वृंदावन सीट एस के शर्मा के लिए कितनी सुरक्षित मानी जाती है। निर्मल राजपूत, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन, मथुरा।